हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर थाना प्रभारी किरण बाला को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मेडल फॉर इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2021 मिलेगा। वर्ष 2021 में इस अवार्ड के लिए नामित होने वाली प्रदेश की एकमात्र पुलिस अधिकारी है। किरण बाला को यह अवार्ड वर्ष 2019 में हुए एक दुष्कर्म के मामले को सुलझाने और दुष्कर्म के चार अन्य मामलों में दोषियों को सजा दिलवाने के लिए मिलेगा। वर्ष 2019 में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म में नाबालिग ने ना तो आरोपी की पहचान बताई और ना ही नाम। आरोपी का नाम और पता ना होने के बावजूद भी महिला थाना प्रभारी हमीरपुर किरण बाला ने जांच कर उसे ढूंढ निकाला और वह इसी नाबालिग का सहपाठी निकला। इसके अलावा दुष्कर्म के अन्य मामलों में भी किरण बाला ने मामलों को सुलझाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं किरण बाला ने अवार्ड की सूचना मिलने पर खुशी जाहिर की है तथा हमीरपुर एसपी और इस मामले को सुलझाने में सहयोगी कर्मचारियों का भी आभार जताया है। तो उस पर जीवरत आ रही थी, तो लेवल पर तो हमने यहाँ अपने थाने में केस रजिस्टर कर दिया। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए गई, वहाँ मैंने लड़की का वो एडमिट थी और उसका प्रमोशन हो चुका था। मैंने पीटर्स उसका रिजल्ट करवाया और उसने एमएससी बुलाया उसकी डॉक्टर से, और उसके बाद मैंने लड़की की स्टेटमेंट लड़की की स्टेटमेंट ली थी, और स्टेटमेंट के बाद उसका मैंने गुवाहाटी में कोर्ट था पाकिस्तान, मैंने वहाँ उसकी स्टेटमेंट वहाँ 6 सी आर पी सी के तहत भी करवाई थी। लेकिन वो लड़की जो लड़की थी वो पुलिस से शुरू से जो सच्चाई थी वो छुपा रही थी, जबकि उसको अच्छी तरह से पता था कि लड़का कौन है। उसने हमें बिल्कुल नहीं बताया, उसने एक लड़के का किसी का नाम रैंडम भी ऐसे नाम दे दिया कि इस नाम का लड़का था, और उसका मुझे नाम एड्रेस पता नहीं है, मुझे उसका मोबाइल नंबर पता नहीं है। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था इस केस को सॉल्व करना, क्योंकि उसने जो दिल्ली कोर्ट में बयान हुआ था उसका, उसमें भी उसने सच बात नहीं बताई थी। जो मेरे पास स्टेटमेंट लिखवाई थी उसमें भी उसने सच बात नहीं बताई थी कि एक्यूज कौन है उसमें। तो उसने शुरू से ही, जब मैं जहाँ वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई थी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं उसको जैसे मौके पर लेके गई थी कि आप बताइए कौन सी जगह आपके साथ घर काम हुआ, तो उसने वो जगह पर घर बना दी। लेकिन उसके बाद जब हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिल पा रहा, तो फिर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसके जो भी करवा रहे थे सारे मेम्बर्स थे उसके उनके मोबाइल नंबर की सी डी आर दे दी, तो सी डी आर जैसे उसके मदर की सी डी आर थी उसको हमने एनालाइज किया, तो हमें पता चला कि उस लड़की की उस मोबाइल फोन से काफ़ी बातचीत होती थी एक लड़के से। तो उसका हमने कैप मंगवाया कि किसके नाम पर वो क्या था, वो मोबाइल नंबर किसके नाम का है, तो उससे हमें पता चला कि एक्यूज कौन है। तो जब लड़की को बुलाया गया उसके बारे में पूछा गया कि ये लड़का कौन है, तो वो बहुत हैरान हुई कि ऐसे इनको कैसे पता चल गया। बाद में फिर हमने उस एक्यूज की डीएनए प्रोफाइल में ब्लड सैंपल लिया, लड़की का घूमने और ले लिया होगा ब्लड सैंपल, उसके बाद टीचर्स का जो ब्लड सैंपल था इन तीनों को हमने प्रोफाइलिंग के लिए जुमला दे दिया, और जुमला में जैसे प्रोफाइलिंग को मैच हो गई। हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई कि इसका जो बायोलॉजी जो फादर ऑफ टीचर्स का वो वही लड़का था, इसको केस किया था, तो इसी के लिए वोट दिया जा रहा है। मैडम कितना टाइम इन्वेस्टिगेशन चली थी इस केस की? हमारा ये 2 महीने में कंप्लीट हो चुका था, ये 2 महीने में हमने अपने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कंप्लीट कर दिया। मुझे बहुत खुशी है कि ये अवार्ड हमें दिया जा रहा है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि अप्रिशिएशन से उनका इंक्रेज होता है, या अगर मैं कोई काम कर रही हूँ उसको अप्रिशिएट किया जाता है तो इंक्रेज होकर उनका और अच्छा काम करता है, हम अपना और बेस्ट दे सकते हैं। क्रेडिट मैं अपने सारे सीनियर स्टाफ को, जूनियर स्टाफ को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया प्रधान शिक्षक। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।